यही बीजेपी के लोग और इनके तमाम वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, इन्होंने पहले उत्तर प्रदेश में माहौल खराब किया। यही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले मुजफ्फरनगर की लड़ाई की शुरुआत की थी। उन तमाम लोगों में इनका भी नाम होना चाहिए। मैंने लोकसभा में कहा था, सॉरी विधानसभा में मैंने कहा था, सदन में मैंने कहा कि जब इन्होंने कहा कि मामूली घटना है, तो मैंने कहा जो हॉकी लेकर के आए, जो लोगों ने माहौल खराब किया, तो उसको मामूली घटना बोलते हैं। यही वो नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? जिन्होंने माहौल खराब किया और कैराना को लेकर के भी माहौल खराब करना चाहते हैं, दादरी को लेकर के खराब किया माहौल। ये वही लोग हैं जो बदायूं में कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद भी बदायूं की घटना को कितना उस परिवार को अपमानित किया और सरकार को भी अपमानित करने की कोशिश की थी। इसलिए लगातार इनका प्रयास होगा, क्योंकि ये विकास की दौड़ में पीछे हो गए और अच्छे दिन लाने वाले लोग अच्छे दिन भूल गए। इसलिए ये इनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ये विकास का रास्ता भूलने वाले लोग, ये वो लोग जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में समाज को बांटने की कोशिश की हो, वो लोग आज उत्तर प्रदेश में आकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ की जनता जागरूक है, समझदार है, वक्त आने पर इनको जवाब मिलेगा। कई चैनलों को मैं धन्यवाद देता हूँ, हालांकि मैं कम धन्यवाद देने वालों में से रहूँगा, लेकिन उसके बाद भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि कुछ लोगों ने कम से कम सच्चाई सामने लाने का काम की। जो लोग 15 साल पहले चले गए, 10 साल पहले चले गए, वो काम की वजह से चले गए, कुछ हमारी सरकार बनने से पहले चले गए, लेकिन आरोप ये कि समाजवादी लोगों ने, हमने उन्हें भगा दिया। मैं समझता हूँ ये लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, चुनाव से पहले ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं। मथुरा में कामयाब नहीं हो पाए, अब ये कैराना ढूंढ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मूर्तियों को दूध पिला दिया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने बदायूं की झूठी घटना को कितना बड़ा रूप दे दिया था, ये वही लोग हैं जो तमाम तरह की साजिश षड्यंत्र करते हैं और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार के एक्शन, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक्शन जो होगा सरकार का वो होगा, कानून में जो होता है हम जांच कराएंगे। मैं तो समझता हूँ जो कानून बनता होगा उसके तहत इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जांच पहले आ जाए, रिपोर्ट पहले आ जाए, आखिरकार वहाँ था क्या, सच्चाई क्या है।